हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली कैसी है ज़रूर बताइएगा, अच्छी होगी तो। मेरा ना बहुत बड़ा परिवार हो चुका है यूट्यूब पर, आप सब देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हो रहे हैं बर्थडे के लिए तैयार, और मैं ना इसको बड़बड़ा रही थी कि इसके बाल सुबह धुले थे लेकिन बिल्कुल भी बाल सुलझे हुए नहीं थे, तो मैं बहुत चिल्लम चिल्ली मचा रही थी। और काव्य ना अपने बाल सुलझा लेती है, अच्छे से कर लेती है जो भी है, लेकिन आरोही अभी जैसा नहला के छोड़। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम सब हो गए हैं तैयार। तो आज मेरे सिवाय का भी बर्थडे है। वैसे तो बर्थडे की तैयारी मतलब क्या थी, ऐसे ही था सब उल्टा सीधा। तबीयत के चलते आप सबको पता है कि तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरी सुब्रत भैया है ना, इनके उनकी मम्मी इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो फिर चलिए देखते हैं वहां पर क्या प्रोग्राम है। वैसे मैं गई थी दिन में, तो पूरा खाना वाना बना करके आई हूँ, सब करके आई हूँ। 3 बजे की गई है, आई अभी 6:30-7 बजे, और उसके बाद अब फाइनली तैयार होके जा रही हूँ। और सुबह शिवाय का बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट हो ही चुका है, तो अभी देख शिवाय कैसे नाटक कर रहा। देखिए देखिए, नारा नहीं बनवा रहा, शिवाय का नारा उतर जाएगा वो, फिर बनवा लो, नंगू हो जाएगी, नंगू हो जाएगी। हेलो, क्या तुम मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे आप लोग? हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे? बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बर्थडे में फिर। हाँ, सुब्रत का भी बर्थडे और इसका भी। तो जो भी बर्थडे पे पूजा होती है ना, वो उनके यहाँ चल रही थी। और मतलब जो सुब्रत के पापा है ना, वो भी पूजा का कार्यक्रम कराते हैं। तो हम सब लोग ब्राह्मण हैं, आप सबको पता ही है। और ब्राह्मणों का मुख्य कार्य होता था कथा, पूजा पाठ, शादी विवाह, ये सब कराना। तो मतलब पहले तो एकदम यही हम लोग का कार्य ही होता था। अभी तो क्या, अलग अलग प्रोफेशन में भी सारे ब्राह्मण चले गए हैं, बस उसी तरह से हम सब लोग का भी है। और सुब्रत के पापा भी ना रेलवे में ही हैं, और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड भी, तो वो ड्राइवर हैं और ये गार्ड हैं। तो बस देखिए, सुब्रत की मम्मी घूम रही थी, आपने देखा, तो कुछ मुझे बताने में लगी हुई थी। और यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, तो देखा कि बर्थडे के लिए बैलून वगैरह फुला तो लिए थे बच्चों ने थोड़े बहुत, लेकिन अच्छे से लगा नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। उसके बाद देखिए शिवाय की यहाँ पर हो रही है पूजा। तो हम लोग मतलब यूपी के ही हैं, और हमारे यहाँ जैसे होता है, तो भाभी बोली भाभी आपके यहाँ जैसे रीति रिवाज से जो भी बर्थडे होता है ना, दूध पिलाने का कार्यक्रम वो आप कर लीजिए। तो हम लोग क्या ऐसे चौक पूर के चौक के ऊपर बच्चे को बिठा के, और मतलब माला वाला बनाते, तो मैं माला मंगाना ना भूल गई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे गुलगुला बनाए गए, तो गुलगुले हाथ पे पकड़ा के इस तरह का कलश वलश रख के और दूध पिलवा देते। दूध में जो है काला तिल डाल के, जो लोग यूपी के होंगे ना, पूरा हमारा रिवाज जो है समझ गए होंगे अच्छे से। बस मुंह में लगा ले, अच्छा लगा, बस चकले लगा दो। तो और भी मतलब घर में गेस्ट जिनको इनवाइट किया गया था बर्थडे के, तो लिए तो वो सभी लोग धीरे धीरे आ ही रहे थे। ये भाभी आ गई थी जल्दी, तो हम सब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। घर में अभी कोई काम था नहीं, सब काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, बस खाली पूड़ी पूड़ी बनानी थी। बाकी अभी क्या है, केक कटिंग वगैरह होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मंत्रोच्चारण के साथ पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। और मतलब हम लोगों के ऐसे कोई भी कार्य हो, बिना पूजा पाठ के तो कुछ होता नहीं है। सबसे पहले हम लोग का पूजा ही होता है, उसके बाद आगे कुछ होता है, और सभी के घर में ऐसे ही होता है। तो देख रहे हैं आप सभी लोग मंत्रोच्चारण में लगे हुए हैं। आदि पंडित
तो बस यहाँ पर सब लोग लगाएंगे टीका। उसके बाद देखिए होने जा रही है यहाँ पर केक कटिंग। तो केक जो है सज गया है, देखिए कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग होगी और फिर होगा उसके बाद खाना पीना। तो देखिए सब लोग आ चुके हैं और कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं, मतलब टाइम हो रहा है वही 8:30 बज रहे हैं। खिला थोड़ा सा मन में मेरे को अजीब सा भी लग रहा था कि देखिए आज मेरे बर्थडे बेटे का बर्थडे है और के दू कहते ना घर और सब कुछ बदल गया, मतलब आज मेरे खुद के घर में सिवाय का बर्थडे नहीं हो पाया किसी भी तरह। तो बस मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी तबीयत खराब के चलते कुछ नहीं मैं कर पाई। तो भाभी बोली हैं आप भाभी आ जाओ हम दोनों लोग मिल के सेलिब्रेट कर लेंगे। और अकेले थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं बनती है। देखा आपने कि गुलगुला भी मैंने बनाए थे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बने थे। और यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ, जितना भी आराम वाला काम है मैं धीरे धीरे कर ले रही हूँ। और भाभी लोग यहाँ पूरियां बना रहे हैं। तो बस ज्यादा लोग बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन हाँ छोटा सा एक गेट टुगेदर हो गया। देख लायो बर्थडे बॉय, उनके बीच में उनकी बहन, फिर एक और बर्थडे बॉय, फिर उनके बीच में दो दो बहन। फोन चलाते हुए सारे सिवाय को क्या है, कोई भी ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का। तो उसको बर्थडे घर में हो या बाहर कहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग वही 9:30 के लगभग आ गए थे घर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ आइसक्रीम, क्योंकि अगले डे मेरी किटी पार्टी थी जो कि इतने दिन से पेंडिंग थी, मतलब पहले ही मुझे करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी अपने तबीयत के चलते। तो नेक्स्ट डे मैंने रखी थी और बहुत ज़्यादा किटी मैं अब की बार कुछ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो कुछ भी करूँगी तो आपके साथ तो शेयर होगा ही होगा। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड जो पाउडर आते हैं आइसक्रीम के, तो वो मैं बटर स्कॉच का ले आई थी। इस तरह से मैंने लगभग 3 पाव के लीटर दूध लिया है, 1/2 से 3 पाव। उसमें देखिए ये पाउडर डाल के इस तरह चलाते रहेंगे, इसको खूब अच्छे से पका लेना है और ये खूब गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तब तक इसको खूब अच्छे से चलाना है। और मेरी आइसक्रीम ना बहुत अच्छी बन गई थी और बस मैंने सोचा रात में मैं बना करके रख दूंगी, तो इसको एक बार राउंड और चलाना पड़ता है। तो घर पर आने के बाद फिर चेंज करने के बाद मैंने सीधे यही काम किया, क्योंकि गैस मेरी सब साफ सुथरा पड़ी थी। तो देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा उबाल आ रहा है और ये कल तक जो है अच्छी जम जाएगी, इसलिए इसको देखिए फिर मैं जम गई है। और दूसरे दिन का टाइम हो रहा है अभी सुबह का, वही 8:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले यही काम कर लिया जाए। तो आइसक्रीम जो है खूब अच्छी सी जम गई थी, इसको फिर खूब अच्छे से इसको उखाड़ लेंगे, पूरा खोद देंगे, निकाल देंगे और फिर इसको खूब अच्छे से खूब चलाना है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मेशर है तो उससे चलाएं, बहुत अच्छा चलेगा। मेरा तो खैर इससे ही मैं चला रही थी लेकिन ना ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा ही इसमें काम कर नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह इसको मैनेज कर ही लिया और आइसक्रीम जो है बन ही गई। तो देख सकते हैं इस तरह से चला रही हूँ लेकिन फिर भी काम चल नहीं रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक में। तो आइसक्रीम कैसी बनी है ये आपको अगले वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें। और फिर मिलेंगे एक प्यारे से ब्लॉग के साथ में। बाय।